बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाक स्टडी यानी मुताला पाकिस्तान। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से जानेंगे कि पाक स्टडी से क्या मुराद है। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ आएँ, मैं पहले थोड़ा सा डिस्कस करूँगी इसके बैकग्राउंड को कि किसी भी मुल्क को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है और इसका आगाज़ किसने किया था। आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड 1939 एंड 1945, अमेरिका एंड रशिया started study of these countries which were important politically and economically for them. यानी दूसरी जंग अज़ीम के बाद हुआ यूं कि अमेरिका और रूस ने आगाज़ कर दिया, इन ममालिक को पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया जो ज़्यादा अहमियत के हामिल थे। किस लिहाज से? पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली लिहाज से जो ममालिक ज़्यादा अहमियत के हामिल थे इनको उन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया। इस स्टडी से उन्होंने बाद में ये चीज़ सामने आई, यानी एरिया स्टडी वजूद में आई। एरिया स्टडी मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच इन विच वी स्टडी अबाउट अ स्पेसिफिक एरिया, यानी किसी खास इलाके की स्टडी वो बेसिकली हम एरिया स्टडी में लेते हैं। उन्होंने किन चीज़ों पर फोकस किया? किसी भी मुल्क का जुग्राफिया, यानी जब किसी भी मुल्क के बारे में हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम उसके जुग्राफिया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चर, इकोनॉमी, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये सारी चीज़ें एरिया स्टडी में आ जाती हैं जिसमें हम इन सबको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। किसी भी मुल्क के बारे में जानने के लिए हमें इन चीज़ों को डिस्कस करना पड़ता है, सबसे पहले इनके बारे में जानना ज़रूरी होता है। अब हम देखते हैं कि पाक स्टडी है क्या। जब स्टूडेंट से ये सवाल किया जाता है कि आप पाक स्टडी को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो हमें इनसे कुछ इस तरह के जवाब सुनने को मिलते हैं, यानी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कल्चर ऑफ पाकिस्तान, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिटिक ऑफ पाकिस्तान। ये तमाम डेफिनेशंस इनकरेक्ट नहीं है, बल्कि हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक इनकम्प्लीट डेफिनेशंस हैं। मसलन अगर मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान इज़ आ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो ये एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन होगी, क्योंकि पाकिस्तान स्टडी में मल्टी डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर हम हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, जुग्राफिया के बारे में पढ़ते हैं। जब हम इन सब को मिला कर पढ़ेंगे तब ये एक डेफिनेशन बनेगी। जैसे कि पाकिस्तान स्टडी इज़ अ मल्टी डिसिप्लिन सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिटिक ऑफ पाकिस्तान। इस डेफिनेशन में ये बताया गया है कि पाकिस्तान स्टडी जो है वो मल्टी डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, यानी कम्बिनेशन है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का। इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि पाकिस्तान स्टडीज़ अ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान स्टडीज़ अ कल्चर ऑफ पाकिस्तान या जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, बल्कि जब हम इन सब को मिला कर पढ़ेंगे तब जाकर एक इसकी कम्प्लीट डेफिनेशन बनेगी, वरना ये इनकम्प्लीट ही रहेगी। यानी पाकिस्तान स्टडी इज़ अ मल्टी डिसिप्लिन सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिटिक ऑफ पाकिस्तान। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी पाक स्टडी की डेफिनेशन और इसकी हिस्ट्री, कि किसी भी मुल्क को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है और इसका आगाज़ किसने किया था।